नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमें ग्रामीण विकास एवं परिवेश से संबंधित एक ऐसे मुद्दे पर बात करनी है जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों के द्वारा क्रिएट थी। आप लोग बार बार ये ऐसा बोल रहे थे कि सर उसको पहले करवा दीजिए उस टॉपिक को, तो आज उन्हीं सारे टॉपिक का एक कंबाइन लेकर मैं आपके सामने लेक्चर आया हूं जिनमें बहुत सारी दिक्कतें आप सभी को हो रही थी। ठीक है, उम्मीद है इस लेक्चर को देखने के बाद आपकी सारी चीजें जो भ्रम की स्थिति इस पर बनी हुई थी वह सभी स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों, ये सारे प्रोग्राम हम 10 प्लस कोर्सेस के अंतर्गत आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं, जो टीम परीक्षा प्लस का एक ध्येय है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में अगर आप अपने घरों में बैठे हैं तो आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे संस्थान बहुत जो है सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, वो इस कोर्स को लेकर तमाम शुल्क भी आपसे ले रहे हैं, तो यहां कोई शुल्क की आपको दिक्कत नहीं है। मस्त होकर पढ़िए, चीजें आप क्वालिटेटिव हमसे लीजिए, हम अपना बेस्ट देते हैं किसी भी चीज में। ठीक है, हम हमेशा इस चीज पर कार्य करते हैं कि कैसे आपका और भी बेहतर चीजें हम आपके लिए कर सके। ठीक है, इसी के क्रम में सप्ताह के 6 दिन आपको जो है इसकी ग्राम विकास की हमने क्लासेस शुरू करी, 3 दिन MCQ हम देते हैं, 3 दिन आपको डिटेल क्लासेस देते हैं। ठीक है, मैथ्स की अलग से शुरू है, मैथ्स जो लेक्चर होता है उस लेक्चर पर उस दिन जितने क्वेश्चन बनाए गए उसके अगले दिन उस पर कम से कम आप ये मान के चलिए कि 30-40 क्वेश्चन फिर दिए जाते हैं जिनको आपको कवर करना होता है, ऐसे रीजनिंग होता है। तो सारे लोग जो है, ठीक है, चूंकि PDF जो भी हम टाइप करवाते हैं, जो कुछ कंटेंट होता है उस पर हमें भी पैसा खर्च करना पड़ता है, इस वजह से अगर आपको नोट्स हमारे चाहिए लेक्चर्स के, ठीक है, बहुत सारी क्लासेस दिन भर में चलती है, 4-5 क्लासेस चलती हैं, सभी की नोट्स दी जाती है, तो आप सारे लोग PDF प्रोग्राम हमारा ले लीजिए जिसमें केवल 3 महीने के लिए आपका 499 रुपए शुल्क रखा गया है, जो कि आप 150 रुपए महीने यानी 5 रुपए एक दिन, ये तो न्यूनतम, ठीक है, आपका इतना काम चल जाएगा जिसमें कि आपको हर दिन मतलब एक दिन में आपको 4 क्लासेज होती हैं, 4ों की PDF दी जाती है। इसके अलावा बीच में कोई भी क्लास बढ़ती है तो उन सभी की आपको PDF मिलेगी। तो मेरे हिसाब से 1 रुपया इन्वेस्ट करना दिन का आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, थ्योरी वहां लगाइए, दिमाग वहां लगाइए जहां फायदेमंद की जो है सारी चीजें रहे। कोई दिक्कत होती है हमारा ऐप जो है डाउनलोड करिए, वहां सारे लेक्चर्स लगे हुए हैं, सारे मटेरियल लगे हैं। आपको मटेरियल नहीं लेना है कोई बात नहीं, लेकिन वहां लेक्चर्स आपके सारे ओपन हो जाएंगे जब आप 10 प्लस कोर्सेज ओपन करेंगे। और अगर आपको मटेरियल लेना है तो वहीं पर क्लिक करिए, आपको पेमेंट का रास्ता आएगा, वहां से पेमेंट करेंगे तो सारे मटेरियल अनलॉक हो जाएंगे। कोई दिक्कत होती है, किसी भी चीज को पूछना है, हमारे किसी कोर्स से जुड़ना है, आप PCS प्रीलिम्स के कोर्स में जुड़ना चाहते हैं जहां पूरी नोट्स हम देते हैं, BO के कोर्स में हमारे जुड़ना चाह रहे हैं जहां हम पूरी नोट्स और टेस्ट सीरीज देते, ठीक है, PCS में भी हम पूरी नोट्स और टेस्ट सीरीज देते, तो उन सभी से हमारे जो है सीधा ऐप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आप बाकी बढ़ते हैं क्लासेज की ओर भैया, जो हमें आज मूल रूप से आपको पढ़ाना है। तो बात यह है जिसके बारे में मैं आपसे परिचर्चा के लिए आया हूं, वो स्पष्ट रूप से चीजें ये है भैया कि आज मैं आपको बताऊंगा कि भू राजस्व से संबंधित आपके कौन कौन से अभिलेख होते हैं, ठीक है, किसमें क्या चीजें रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाती हैं, उन सभी के बारे में बहुत व्यापक परिचर्चा है। तो हेडिंग आप डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं इस हिसाब से आपको पढ़ाता हूं कि अगर मान लीजिए आप नोट खुद का बनाना चाह रहे तो आप बना सकते हो, ठीक है, चीजें उसी हिसाब से होती हैं, हम कोई जबरदस्ती आपको नहीं कहते कि आप हमारा प्लान ले हुई, आप पढ़ो बस, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए। देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं भैया भू राजस्व अभिलेखों को, कि भूमि से संबंधित अभिलेख आपके क्या क्या होते हैं। अभिलेख का मतलब कि जिसमें किसी रिकॉर्ड को हम दर्ज करते हैं, भू राजस्व अभिलेख, ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको समझना है। इनमें किन किन बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे, इनमें जिन जिन बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे वो है आपका खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, जिन पर आप लोग बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहे, ठीक है, खतौनी क्या होती है, और उसके बाद जो हम लोग इस पर बात करेंगे नक्शा क्या होता है भैया, नक्शा के अलावा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स मैं लिखूं, सारी चीजों को आज पूरी चीजों को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से देखने जा रहे हैं। पूरा कंसंट्रेशन यहां लाना, बहुत अच्छे से समझना, इसके बाद कोई गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि इनसे सवाल पूछा है और हमेशा पूछेगा, सीधी स्वाभाविक सी बात है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। चलो एक एक करके उठा रहा हूं, एक एक को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, पूरी नोट्स जैसी आपको दी जाती है मैं पूरी नोट्स अपनी भाषा में टाइप करवाता हूं ताकि आपको मैं सब कुछ
ठीक है, जब आप नोट्स भी पढ़ो तब भी लगे कि मैं ही आपको फिर से पढ़ा रहा हूं, तो ये चीजें ज्यादा कारगर होती हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू कर मतलब शुरू किया जा रहा है कि भूमि दस्तावेज क्या होते हैं या भू राजस्व अभिलेख क्या होते हैं। सबसे पहली बात देखो भैया, भूमि राजस्व भूमि दस्तावेज आपके वह होते हैं जिन पर किसी भी व्यक्ति के, ठीक है, नाम पर जो भूमि आपकी होती है, ठीक है, चाहे वह भूमि ऊसर है, चाहे आपकी उपजाऊ है, चाहे अनुपजाऊ है, ठीक है, चाहे परती है, मतलब भूमि का लेखा जोखा जिन जो है अभिलेखों में रखा जाता है वो भू जल राजस्व अभिलेख कहलाते हैं। सबसे पहली तो परिभाषा ये बन गई। अब भू राजस्व अभिलेखों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, खतौनी होती है, खसरा होता है, सभी में अलग अलग विवरण हर एक व्यक्ति से संबंधित लिखे जाते हैं, ठीक है, वह विवरण इन सभी में जो है कॉलम और रो के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। इनकी संख्या आपसे पूछता है आखिर ये अभिलेख किनके अंतर्गत लाए गए, क्योंकि हर एक चीजों को करने के लिए अपने यहां पूरी एक प्रणाली है, प्रोसीजर है, उसके अंतर्गत हर एक कार्यों को किया जाता है, ठीक है, उसके लिए एक सक्षम अधिकारी की नियुक्ति होती है, जैसे जो जिस कार्य को करता है, छोटे कार्यों को लेखपाल करेगा उससे ऊपर है तो उससे बड़ा जो है अधिकारी है, उससे ऊपर बात है तो उससे बड़ा पदाधिकारी होता है। इस तरीके से पूरा का पूरा राजस्व डिपार्टमेंट आपका होता है। इसके बाद अगला क्रम हमारा जो लेक्चर का होगा वह राजस्व अधिकारियों पर ही लेक्चर आने जा रहा है, जिसमें मैं पूरी खाका के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। यहां समझो, अगर मैं राजस्व अभिलेख की बात करूं तो मुख्य रूप से आपके इनके निम्न प्रकार देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला जो आपका राजस्व अभिलेख होता है, यह अभिलेख होता है खसरा भैया, ठीक है। खसरा समझते हैं क्या होता है, अभिलेख है। अब इस चीज पर मत जाइएगा कि यह कैसा अभिलेख होता है, आखिर खसरा नाम क्यों दिया गया, खसरा एक रोग भी होता है, ठीक है, जो हो जाता है। खसरे में क्या क्या चीजें आती है इसको अच्छे से समझो, यही से सवाल पूछता है। सबसे पहली चीज जो है भैया, ठीक, वह चीज आपके सामने ये है कि यह जो दस्तावेज आपका खसरा होता है इसमें कुल 22 खाने होते हैं। कितने? 22 खाने, कंफ्यूज मत होना, 22 कॉलम होते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या डालते हैं, गाटा नंबर अथवा खेत नंबर, नंबर एक से प्रारंभ होकर अंतिम नंबर में समाप्त तो होता है, तथा प्रतिवर्ष बनाया जाता है जो आपका खसरा होगा इसको प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। दूसरी बात, इसमें गाटा या खेत की मौके स्थिति लिखी रहती है कि फला गाटा संख्या, फला जो है खेत कहां पर है, किसके नाम दर्ज है, ये सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। और साथ ही साथ खरीफ रवि एवं जायद फसलों की पड़ताल कर लेखपाल द्वारा यह लिखा जाता है खसरा आपका। कौन तैयार करता है? आपका लेखपाल, जो तीनों फसलें होती हैं उनकी पड़ताल करके वो इसको तैयार करता है। साथ में कुएं एवं पेड़ आदि को भी इसमें दर्ज किया जाता है खसरे में। यह अभिलेख तहसील के रिकॉर्ड रूम अथवा अभिलेखागार में, तहसील के रिकॉर्ड रूम अथवा अभिलेखागार तहसील में 12 साल तक ही दाखिल रहते हैं। वर्तमान खसरा लेखपाल के पास उपलब्ध रहता है। अगर आपको जो है इसी साल का खसरा लेना है तो आप लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको खसरा मिल जाएगा, मतलब उसी वर्ष का। उसके बाद वो क्या करता है, जमा कर देता है और फिर आपको तहसील के अभिलेखागार में मिलेगा। कहां, कब तक? 12 साल तक। तो 2-3 पॉइंट यहां क्लियर हो गई, इसमें किसका किसका वर्णन होता है, इसमें गाटा संख्या या खेत संख्या से वर्तमान स्थिति के बारे में होता है, रवि खरीफ और जायद की फसलों के बारे में जिक्र किया जाता है, ठीक है। लेखपाल ये पूरी चीजें तैयार करता है, 22 कॉलम होते हैं, 22 खाने होते हैं, ये सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो गई। आगे अब हम बढ़ते हैं, दूसरी चीज भैया खतौनी क्या होती है। देखो, खतौनी जो आपका भू अभिलेख रिकॉर्ड है, यह भूमि अभिलेख रिकॉर्ड के पैराग्राफ, मतलब भूमि से अभिलेख रिकॉर्ड से संबंधित जितने कानून बने हैं कि किनको किनको मान्यता दी गई है, उसमें पैराग्राफ जब आप पहला पढ़ेंगे उसमें 121 जो पॉइंट है उस पर खतौनी को निम्न शब्दों में परिभाषित किया जो है परिभाषित किया गया है, या ऐसा बोल सकते हो कि खतौनी की परिभाषा को निम्न शब्दों में गढ़ा गया है। खतौनी का मतलब क्या है, देखो समझो, खतौनी जो है गांव के ऐसे सभी व्यक्तियों का रजिस्टर है, मतलब गांव के सारे लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, उन सभी का लेखा जोखा, रजिस्टर का मतलब लेखा जोखा है, जो खेती करते हैं या भूमि पर काबिज हो, यानी अगर आप जो है मकान बना लिए हो या भूमि पर आपका कब्जा है, ठीक है, तो यहां पर अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से रखा जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आबाद भूमि के बारे में, ठीक है, और इन सभी के भूमि के प्रकार के बारे में आपसे बहुत अच्छे से परिचर्चा की है। और मेरी जो रिक्वेस्ट है,
कि अगर आप डायरेक्ट मेरे किसी लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको क्रम से मेरे लेक्चर को देखना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद दूसरा अपने आप रिलेट होता है। आप सही से सभी बिंदुओं को तभी समझ पाएंगे, नहीं तो आपको ये कंफ्यूजन होगी कि सर हम तो कंफ्यूज हो गए यहाँ पर। इस वजह से आप लोग लगातार जो है मेहनत करते रहो, इस तरीके से जितने लेक्चर हैं उनको देखते रहो। दूसरी बात भैया, यह जो होती है खतौनी आपकी या भू राजस्व अधिनियम धारा 32, कौन सा आया? धारा 32 भू जो है खतौनी की परिभाषा किसमें है? खतौनी को किसमें? भू राजस्व अधिनियम की धारा 32 में वर्णित एक रजिस्टर है। समझ गए, यह पूछा है खतौनी का जिक्र किसमें है? 32 में। मैंने एमसीक्यू में भी पूछा था। यह प्रत्येक छठे साल में तैयार किया जाता है। कब? खतौनी हर एक छठे साल में, खसरा हर एक प्रथम जो है हर एक साल आपका खतरा तैयार होता है, यानी प्रतिवर्ष खसरे को तैयार करते हैं लेखपाल के द्वारा, लेकिन खतौनी हर छठे साल में जो है तैयार की जाती है। तो दोनों में अंतर है, समझ गए, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जो खतौनी होती है इसमें 13 कालम होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने उस दिन एमसीक्यू में यह चुना कि सर इसमें 12 होते, 12 कंफ्यूजन छोड़ दो, 13 कॉलम होते हैं खतौनी में आपके, ठीक है। इसमें काश्तकार का नाम यानी जिसके नाम पर खेत है वह जिस या जोत है उसका हिंदी वर्णमाला के अनुसार लिखे जाते हैं, तथा उसके नाम कितनी जमीन है इस सभी का योग उसमें लिखा जाता है आपके खतौनी में। उस जमीन पर उसका कब से अधिकार है यह भी लिखा जाएगा, ठीक है, खतौनी में। साथ ही वर्तमान समय में खतौनी 6 वर्षों में तैयार की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। पुरानी खतौनी राजस्व अभिलेखागार में जमा होती है, यह भी वही जाती है, ठीक है। वर्ष में होने वाले आदेश जो हैं, मान लीजिए खतौनी पर जो जो आदेश हुए तो उनको कैसे दर्ज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो लाल पेन से पूरी चीजें, लाल स्याही से, यह भी मैंने पूछा था आपसे, ठीक है। एमसीक्यू में जो है मैंने आपसे पूछा था कि वर्ष में होने वाले आदेश किससे? लाल स्याही से लेखपाल इस पर दर्ज करता है खतौनी पर। 6 सालों में चूंकि तैयार होती है तो 6 सालों तक कोई परिवर्तन हो रहा है तो वह खतौनी पर जो है दर्ज होता रहता है। मान लीजिए आपकी जमीन थी, आपने किसी को बेची, दूसरे को गई, तो वहां पर वो लिख दिया जाता है कि ये जो है फला फला व्यक्ति को फला फला नाम से ट्रांसफर की जाती है। ये चीजें रहती हैं, उन सभी का विवरण इसमें रहता है। अब जैसे मैंने कहा कि उन सभी का विवरण रहता, तो विवरण देख लो भैया खतौनी में क्या क्या, जो 13 कॉलम इसमें बनाए जाते हैं तो वो कॉलम ऐसे ऐसे आपके पूरे रहते हैं, उसमें पूरा दर्ज होता है कि इसमें क्या चीजें दर्ज करनी है खतौनी के। 13 कॉलम होते हैं, ठीक है। अब लोग क्या होते हैं कि जैसे कई सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर मैंने निकाल कर देखा है मुझे 12 कॉलम मिल रहे। भैया 13, एक जो बीच वाला होता है जिसमें मिक्सअप कर दिया जाता है 7 से 12 तक की सारी इंफॉर्मेशन उसी में लिखी जाती है। इस वजह से आप गिनने लगोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। ध्यान दो खतौनी में किन किन चीजों का विवरण होता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। खतौनी में जमीन की व्यक्तिगत जानकारी के लिए इसको श्रेणीबद्ध किया जाता है, मतलब सीरियल क्रम में लगाया जाता है। जमींदारी विनाश के बाद जो अधिनियम आया था 1950, उसके बाद उत्तर प्रदेश में गांव की पूरी जमीन को 9 श्रेणी में या वर्ग में रखा जाता है, यानी गांव की जमीनों को 9 भागों में विभाजित किया जाता है। एक प्रश्न का उत्तर यहां से भी आप जान गए। दूसरी बात, प्रत्येक गांव की खतौनी के 2 भाग होते हैं। हर एक गांव में जो खतौनी तैयार की जाएगी उसमें 2 चीजें बनाई जाती है, एक अव्वल होता है, एक दोयम दर्जा होता है, ठीक है। पहला जो भाग होता है इससे हिस्सा अव्वल बोलते हैं, या जो है आप अव्वल हिस्सा बोल सकते हो। दूसरा जो होता है इसको द्वितीय भाग, इसको दोयम हिस्सा बोलते हैं या हिस्सा दोयम बोलते हैं। खतौनी में 2 भाग होते हैं, एक चीज ये भी जान गए। अब ये जान लो कि ये प्रथम भाग द्वितीय भाग में हिस्सा अव्वल में क्या लिखते हैं और हिस्सा दोयम में क्या लिखते हैं खतौनी में। देखो भैया, जो प्रथम भाग मतलब हिस्सा अव्वल होता है, इस श्रेणी में 1 से 6 तक की जमीन होती है। अब जमीनों के भी कैटेगरी होती है, जैसे मैंने बताया 9 प्रकार की वर्गीकरण है, तो 1 से 6 तक की अगर आपकी श्रेणी की जमीन आती है, ठीक है, तो वो जो जमीन होगी वो प्रथम भाग में हिस्सा अव्वल में आप लिखोगे। अब आपके सामने कंफ्यूजन आ गया कि सर ये 1 से 6 तक की जमीन क्या है। आगे देख लो, श्रेणी 1 से 05 तक की जो जमीन है या कृषि योग्य भूमि कहलाती है। अगर आपकी जमीन जो है कृषि फसलों की पैदावार कर रही है तो उसको 1 से 5 के अंतर्गत रखते हैं, और श्रेणी जो 06 है यह आबादी दर्ज होती है, यानी अगर जमीन पर जो है लोग रहने लगे हैं तो ऐसी जमीन को आबाद जो है जमीन में या आबादी जो है में जोड़ दिया जाता है। तो जो आपका हिस्सा अव्वल है
इसमें दो चीजें की जाती है, एक से पांच तक जो श्रेणी की जमीन होगी वह मतलब कृषि योग्य जमीन होगी, लेकिन अगर जीरो छह श्रेणी लिख गई है तो वह उसमें क्या होगा, आबादी के बारे में जिक्र होता है। तो प्रथम हिस्सा या हिस्सा अव्वल को आप सीख गए कि इसमें किस चीज का जिक्र होता है। दूसरा सीख लो, दूसरा जो इसका भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, द्वितीय हिस्सा जो होता है, यह हिस्सा दो एम होना चाहिए। इस श्रेणी में सात से नौ तक की जमीन का उल्लेख होता है, इसे सिकमी या मारूसी कहते हैं, यह मैंने पूछा था, ठीक है, सात से नौ तक की जमीन का उल्लेख होता है, इसे सिकमी या मारूसी कहते हैं, और यह हिस्सा अव्वल के ही दो भाग है, इस चीज को समझिएगा। आगे अभी हम इसको और जो है जो दूसरा हिस्सा है उसमें और चीजें देखेंगे। देखो वर्गाकार जमीन की जानकारी कहां से मिलती है, अब यह चूंकि इसी में है, ठीक है, कुछ शब्द मैंने इससे पहले यूज किए थे। देखो वर्गाकार या जो है मतलब वर्गवार, सॉरी वर्गाकार मुंह से निकल रहा है, वर्गवार जमीन जो होती है, जो ये क्लासिफिकेशन मैंने बोला कि एक से नौ तक की क्या होती है, इसकी जानकारी आप सीख लो। जैसे एक से पांच तक तो आप जान गए, जीरो छह जान गए, सात से नौ जान गए कि अच्छा द्वितीय भाग में होता है। तो इसी को समझने के लिए मैंने पूरी चीजें लिख दी है आपके लिए। देखो भैया जो वर्ग वन या श्रेणी वन होती है भैया, यह जमीन संक्रमणीय भूमिधर, अब आपके सामने आएगा यह संक्रमणीय भूमिधर क्या है सर, भैया ऐसी जमीन जो ट्रांसफरेबल हो, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जा सकी, तो ऐसे भूमिधर को बोलते हैं क्या, संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार वाली जमीन होती है। पहले जो भूमिधर होंगे यौम सीरदार, ठीक है, अलग अलग थे, पहले भूमिधर यौम सीरदार अलग अलग थे, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सीरदार काश्तकार को भी भूमिधर कर दिया, जो अब संक्रमणीय भूमिधर के नाम से जाने जाते हैं। मैंने बताया था कि एक परिवर्तन हुआ है, ठीक है, एक आदेश में 1960 वाले में मैंने चीज आपको बताई थी कि अनुसूचित जाति वाला जो मामला था उसमें 2015 में परिवर्तन किया गया है। अब दूसरी श्रेणी की जमीन जान लो भैया, श्रेणी दो की जमीन क्या है, यह जमीन संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार वाली जमीन होती है। पहले भूमिधर एवं सीरदार अलग अलग थे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सीरदार काश्तकारों को भूमिधर कर दिया, जो अब संक्रमणीय भूमिधर के नाम से जानते हैं, यानी अब दोनों की परिभाषा एक हो गई, तो ऐसे लोगों को श्रेणी दो में रखते हैं। दूसरी चीज श्रेणी तीन जो है, इस प्रकार की जमीन धारक जो है या काश्तकार को गांव सभा भूमि के आसामी काश्तकार होते हैं, इस प्रकार के काश्तकारों की मालगुजारी गांव सभा में जमा करनी होती है, सबके लिए अलग अलग नियम है। ऐसे जो काश्तकार हैं मतलब कृषक हैं, उनको मालगुजारी गांव सभा में जमा करनी पड़ती है, साथ ही साथ यदि सालाना मालगुजारी ना देने पर गांव सभा उस काश्तकार को धारा 202 जमींदारी विनाश अधिनियम के अंतर्गत जमीन से बेदखल कर सकता है, यानी बेदखली जो होती है प्रक्रिया वो यहां पर आती है। आगे बढ़ते हैं, श्रेणी चार क्या है भैया, इस श्रेणी को दो भाग कर दिए गए। प्रथम भाग वर्ग 04 है, जिसे वह जमीन धारक आते हैं जो अवैध रूप से गांव सभा की जमीन पर काबिज है, ठीक है, किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उनको श्रेणी चार के अंतर्गत रखते हैं, श्रेणी चार के भाग एक के अंतर्गत, ठीक है। वर्ग चार जो ए लिखा गया है या दूसरा भाग है, इसमें सीलिंग जमीन के पट्टादारों का उल्लेख रहता है कि कौन कौन सी सीलिंग जमीन है, किनको किनको पट्टा दिया गया है। अब वर्ग या श्रेणी जो पांच है आपकी 05, इस श्रेणी में गांव सभा की बंजर जमीनों का जिक्र हम करते हैं, ठीक है। इस जमीन से भूमिहीन या खेतिहर मजदूरों को पट्टा देते हैं हम लोग, ठीक है, यह जो जमीन है जो श्रेणी पांच के अंतर्गत आती है यह बंजर जमीन है, तो इसको पट्टे पर देने का कार्य ग्राम प्रधान के द्वारा आपका किया जाता है। अगली चीज आती है श्रेणी छह, इस जमीन पर खेती नहीं होती है, बंजर जमीन होती है, जैसे रास्ता हो गया, सड़क हो गया, नदी तालाब नहर, इनके बारे में भी कल मैंने बताया था कि ऐसी जमीनें किनके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये जमीनें आबादी की सुविधाओं के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कि क्या क्या होनी। अब खतौनी का भाग दो देखिए, ठीक है, खतौनी के भाग दो जो मैंने बोला था कि यहां पर आगे मैं चर्चा करूंगा। इस श्रेणी में 7, 8 व 9 की जमीन आती है, इस श्रेणी के काश्तकारों को सिकनी काश्तकार कहते हैं, कौन से, जिनके पास 7, 8, 9 टाइप की जमीन होगी, वर्ग की जमीन होगी, उनको सिकनी काश्तकार। इस श्रेणी के काश्तकारों को जबरन कब्जेदार कहा गया है, ये जबरदस्ती कहीं पर क्या कर लेते, कब्जा कर लेते, इस तरह के काश्तकारों की वरासत नहीं दर्ज होती है।
सन 1985 के बाद से खतौनी में इस श्रेणी के नए काश्तकारों की मृत्यु हो जाने के बाद भी इनका नाम खतौनी से नहीं काटा जाता है, ठीक है। मतलब इनके नाम पर वह खतौनी चलती रहती है, जबरदस्ती अगर आपने कब्जा कर लिया तो वो आपकी हो गई, ऐसी चीज है। अब भैया समझ लो नक्शा क्या है, अगली चीज समझो नक्शा क्या है, किसान बही क्या है, सब कुछ आज परिभाषाएं यही क्लियर कर लो, कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। देखो नक्शा जो होता है, हर एक जो राजस्व गांव होगा इसमें बंदोबस्ती नक्शा होती है, इसमें खेतों के रेखाचित्र मौके के अनुसार होते हैं, मतलब मौके पर खेत जिस आकार का है वैसा यहां पर जो है रेखाचित्र जो है पूरा तैयार होता है। नक्शे में पहले नंबर की शुरुआत उत्तर और पश्चिम दिशा के कोने से होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला नंबर जो होगा वह उत्तर और पश्चिम दिशा के कोने से शुरू होता है, ऐसा नहीं कि जहां से मर्जी वहां से हम शुरू कर दिए कि ये एक नंबर खेत है, नहीं, हमेशा इसका कॉर्नर लिया जाता है, उत्तर और पश्चिम दिशा के कोने से शुरू होगा और दक्षिण पूरब को समाप्त होता है, दोनों इसकी चीजें प्रक्रिया है, उस अनुसार से नक्शा में सारी चीजें की जाती है, समझे। अब इसको मत भूल लीजिएगा नक्शे में। आगे बढ़ते हैं, किसान बही आखिर क्या है भैया? देखो किसान बही आप जानते हैं, पहले जो जोत बही होती थी वही आज किसान बही के रूप में मानी जाती है। किसान बही प्रत्येक किसान को दी जाती है, ठीक है, चाहे वह भूमिधर है या नहीं, मतलब उसके पास जमीन है या नहीं, लेकिन इसमें किसान की फोटो लगी रहती है और तहसीलदार का जो है हस्ताक्षर भी रहता है, या किसान के बहुउद्देशीय परिचय पत्र होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें करनी है तो हर जगह किसान बही कार्य आ जाती है, आप जानते ही जानते हैं, ठीक है। अगला है भूमि प्रबंधन समिति क्या होती है, इसको भी इसी साथ क्लियर कर लो, क्योंकि खतौनी खसरा में लेखपाल और इन सभी के कार्य मैंने बता दिए, अभी इसमें पट्टा भी मैं जोड़ना चाह रहा था लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी तो दिमाग आपका लगातार जो है प्रेशराइज होगा, इसको समझो भूमि प्रबंधन समिति को, ये गांव से संबंधित है। अब यहीं पर आपका कार्य बढ़ जाएगा, मतलब लेखपाल के कार्य में ये चीजें यहीं से बढ़ने लगती हैं, समझिए इसको अच्छे से। उत्तर प्रदेश जो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 रहा, इसकी धारा 121 के अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति की स्थापना एवं गठन की व्यवस्था की गई थी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले किसके अंतर्गत, 1950 की धारा 121 के अंतर्गत जो भूमि प्रबंधन समिति होती है इसके गठन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1961 में कुछ बदलाव हुआ। क्या हुआ, 1961 में यूपी क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम आया था 1961 में, ठीक है, इसने जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की उक्त धाराओं को निरस्त कर दिया और पंचायती राज अधिनियम 1947 में धारा 28A या 28 का 28B और 28C सम्मिलित की। इन धाराओं ने भूमि प्रबंधन समिति के गठन और कार्यों के संबंध में विस्तृत प्रावधान किए। फिर क्या होता है, 1972 की बात है, 1972 में उत्तर प्रदेश ग्राम स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम आया था और इसकी धारा 7 में कुछ प्रावधान किए गए, वो क्या रहा कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 28A में परिवर्तन करना पड़ा और पंचायत राज जो अधिनियम 1994 की धारा 28A निम्न प्रावधान करती है, क्या, वो कहती है कि जो ग्राम आपकी जो है भूमि प्रबंधन समिति होगी इसके गठन में क्या क्या चीजें होंगी, प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे पहली बात कि भूमि प्रबंधन समिति का निर्माण होगा हर एक ग्राम पंचायत में, दूसरी बात ये क्या कहता, दूसरी बात बोलता है कि प्रधान तथा उप प्रधान, अब उप प्रधान तो ज्यादातर रहते नहीं, प्रधान ही रहते हैं, भूमि प्रबंधन समिति के क्रमशः सभापति और उप सभापति होंगे। यहां से सवाल पूछ सकता है, ग्राम पंचायत की भूमि अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का लेखपाल भूमि प्रबंधक का सचिव होता है, मैंने बताया ना कि यह आपके काम के अंतर्गत है, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो उससे यह संबंधित सवाल है, तो आपके कार्य को जानना बहुत जरूरी है यहां, ठीक है। यानी जो भूमि प्रबंधक समिति होगी इसके आप क्या होते हैं, सचिव होते हैं, समझे। आगे बढ़ते हैं भैया, इसकी शक्तियां देख लो, ये मैं जो है 1994 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं सारी चीजें, लेकिन जो आपका ये मतलब जमींदारी उन्मूलन 1950 वाला आया था जिसमें 1951 में जो लागू हुआ था जिसके बारे में हम लोग इससे पहले बात किए थे, तो इसमें क्या हुआ था, जब इसकी शक्तियों की बात करें कि पावर क्या क्या दिए गए, प्राधिकार जिसको हम कह सकते हैं, देखो जो ये जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम रहा 1950 वाला तथा यूपी पंचायती राज अधिनियम रहा, ठीक है,
1947 के अंतर्गत भूमि प्रबंधन, ठीक है, समिति की शक्तियां इस प्रकार रही। क्या क्या पहली चीज इसमें आई है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए थे। हालांकि मैंने इससे पहले जिक्र किया था, लेकिन यहां पर मैं पॉइंट वाइज उनको मेंशन किया हूं। देखो कौन कौन सी चीजें हैं यहां पर मैंने क्या लिया है। इसकी धारा जो है कौन सी, 122A, जब आप उठाओगे 122A में, मैंने सवाल भी पूछा था, भूमि प्रबंधन समिति को ग्राम पंचायत में निहित किस किन मामलों में, भूमि मतलब ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भूमि आती है, जो जंगल आते हैं, वृक्ष आते हैं, मीनाशय आते हैं मतलब मछली पालन वाले मत्स्य पालन के केंद्र, तालाब और जलमार्ग आते हैं, आबादी स्थल आते हैं और आने जाने का जो मार्ग है, ठीक है, साथ ही साथ हाट बाजार एवं मेला का सामान्य जो पर्यवेक्षण होता है, इन सभी को किसके अंतर्गत रखा गया है, इन सभी को ये सारी की सारी चीजें ग्राम पंचायत में भूमि प्रबंधन समिति के अंतर्गत आती है। किसमें, ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति के अंतर्गत सारी चीजें आती है आपकी, जो 8 पॉइंट मैंने जिक्र किए, भूमि भी इसमें, जंगल भी आएगा, वृक्ष भी आएगा, मीनासे यानी मछली पालन वाला, तालाब, जलमार्ग, आबादी स्थल जो होंगे, आने जाने का जो मार्ग होगा, ठीक है, और हाट बाजार जो लगते हैं या मेला का सामान्य जो पर्यवेक्षण होता है, यह सब कुछ ग्राम पंचायत के अधीन होता है। समझ गए, तो शक्तियां समझ गए ना कि ये 8 तरीके से सभी पर काबिज होगी। आगे देखो, ध्यान दो, एक चीज और इसके बाद आती है, ठीक है, वही चीजें हैं, भू राजस्व वाली चीजें हैं। यह ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे जो मेन बात होता है, भूमि प्रबंधक समिति गांव सभा की ओर से गांव सभा के लिए ये जितने प्रबंधन है, 8 प्रकार मैंने बताए, उन सभी का प्रबंधन भूमि जो है आपकी ये भूमि प्रबंधन समिति ये गांव सभा की ओर से सारी चीजें करती है। और इसका सभापति कौन होता है, ग्राम प्रधान, और जो उप सभापति है वो कौन होता है, वो उप प्रधान होता है, और जो सचिव होता है वो लेखपाल यानी आप बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, समझ गए। आगे बढ़ लेते हैं अगली चीज में। अगली चीज आपसे क्या बोल रहा है भैया, अगली चीज आपसे बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश जो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम रहा, इसकी धारा 122 वहां पर ए के बारे में बात किया था, यहां भी 122 खा भूमि प्रबंधन समिति को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह बिना हक गैर कानूनी तरीके से सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पर काबिज व्यक्तियों को भूमि से बेदखल कराने के लिए कलेक्टर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है, या धारा 122 के अंतर्गत वाद दायर कर सकती है यानी मुकदमा कर सकती है। यह पावर किसको दी गई है, 122 बी के तहत आपकी ग्राम पंचायत वाले मामले को, या जो आपकी भूमि प्रबंधन समिति है उसको दी गई है। किसके अंतर्गत, धारा 122 बी के अंतर्गत या 122 खा के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं राजस्व वसूल करने की शक्ति। जो इतने टाइप की जमीन है, 8 तरीके की वर्गीकरण हुआ ना, तो इन सारे 8 तरीके का जो वर्गीकरण है, इन पर राजस्व कौन वसूलता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सामान्य भी आपके उसमें परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, यहां तो आपका कार्य से संबंधित है तो यहां तो होगा ही। देखो एक चीज का ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 276, कौन सी, 276 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी क्षेत्र की मालगुजारी वसूल करने के लिए उस क्षेत्र के लिए स्थापित भूमि प्रबंधक समिति को क्या करती है, अधिकृत कर सकती है, मतलब पावर दे देती है कि आपको धारा 276 के अंतर्गत जो मुझे शक्तियां मिली है, उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली समस्त जमीनों के राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी आपको प्रदान की जाती है, ठीक है। तो वो ये जो मतलब पावर है, अपने यहां जानते हो सब कुछ शक्ति जो है विधियों के अधीन ही सारी चीजें हैं। इसमें क्या किया गया है भैया, ये जो धारा 276 है इसके अंतर्गत अधिकृत किए गए जाने पर भूमि प्रबंधन समिति भूमि धारकों से राजस्व वसूल करने की अधिकारी होगी। जब उसको ऐसा हो जाएगा, धारा 276 के तहत प्राधिकार मिल जाएंगे, तभी वो ऐसा करने की हकदार बनेगी। दूसरी बात, भूमि प्रबंधन समिति किसी बाकीदार के संबंध में बकाया मालगुजारी का प्रमाणित लेखा विवरण, ठीक है, जारी कर सकती है। जैसे आजकल आप देखते हो कि जो है जो भगोड़ा व्यक्ति होते हैं उनके बारे में बैंक पूरी चीजें लिख कर देते हैं, तो ऐसे ही जो लोग मालगुजारी नहीं दिए हैं उनके बारे में भी पूरा प्रमाणित लेखा विवरण कि इन्होंने इतने साल से इतनी इतनी जमीन पर इतने रुपए जो है मालगुजारी नहीं दी है, ऐसा भूमि प्रबंधन समिति भी जारी कर सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
आगे अब इसमें अगर बढ़ें, दूसरी चीज ये जो लेखा विवरण होता है ये मालगुजारी की बकाया तथा बकायादार का निश्चित प्रमाण होगा। जो समिति है आपकी, इसके द्वारा वसूल की गई मालगुजारी की धनराशि पर राज्य सरकार भूमि प्रबंधन समिति को कमीशन देती है। ठीक है, मतलब जो समिति होती है जितना आप वसूलेंगे, अब अमीन के कार्य आप जानते हो, ठीक है, तो उस पर इसको कमीशन दिया जाता है कि भैया आप इतना वसूले, आपका इतना हुआ। आगे बढ़िए, भूमि आवंटन या पट्टा पर उठाने का अधिकार, यह पॉइंट भी आप यहीं पर जो है पूरा का पूरा पढ़ लीजिए ताकि इससे संबंधित सारी चीजें आपकी एक साथ कवर हो जाए। देखिए, भूमि आवंटन यानी किसी को हम पट्टा दे दें, पट्टा एक साल दो साल तीन साल के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें समझो, ये जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम रहा आपका, इसकी धारा 195, किसमें धारा 195, मैं धारा जितनी बोलता हूं इस चीज को जरूर जो है दिमाग में बैठाइएगा, ठीक, क्योंकि इससे सवाल पूछा है, अंतर्गत भूमि प्रबंधन समिति सहायक कलेक्टर, ठीक है, परगना अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करके धारा 132 में, ठीक है, धारा 132 में उल्लेखित वर्गों की भूमि को छोड़कर कोई भूमि किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार, अब असंक्रमणीय मतलब कि अगर हम किसी व्यक्ति को दे दिए तो वह अपने लड़के को नहीं दे सकता या वो किसी को बेच नहीं सकता, ये चीजें है असंक्रमणीय मतलब आप किसी को बेच नहीं सकते हो, ऐसी जमीन ऐसे अधिकार आपको मिलते हैं वाले भूमिधर के पट्टे के रूप में पट्टे पर उठा सकती है कौन, आपकी भूमि प्रबंधन समिति। ठीक है, यदि क्या क्या चीजें, पहली कंडीशन मतलब जिस जमीन को वो देगी उसके लिए कुछ कंडीशन है, समझ लो, अगर वह भूमि खाली हो या भूमि धारा 117 के अधीन ग्राम पंचायत में निहित हो, या तीसरी चीज भूमि धारा 194 के या इस अधिनियम के किसी दूसरे निर्देश के अधीन भूमि प्रबंधक समिति के कब्जे में आ गई हो। धारा 197 जो आपकी है इसके अंतर्गत भूमि प्रबंधन समिति सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करके धारा 132 में उल्लेखित वर्गों में से किसी भी वर्ग की भूमि किसी व्यक्ति को आसामी के रूप में पट्टा दे सकती है, मतलब साल भर के लिए, छह महीने के लिए, इस तरीके से, या एक फसल दो फसल ऐसी खेती के लिए आपको दे सकती है। वो क्या होगी, धारा 132 में जो इसको शक्ति दी गई है उनके अनुरूप होगी। तो दोनों चीजें जो इसमें बताया मैंने, चारों चीजें, मतलब पट्टे पर कैसी जमीन दी जा सकती है अगर जमीन खाली है भू प्रबंधन समिति के अंतर्गत, दूसरी भूमि ग्राम पंचायत में निहित है, या भूमि धारा 194 या इस अधिनियम के किसी दूसरे निर्देश के अधीन भूमि प्रबंधक समिति के कब्जे में आ गई है, तो ऐसी जमीनों को हम किस पर पट्टा के रूप में आसामी के तौर पर दे सकते हैं, मतलब एक फसल दो फसल इस अनुसार आपको कार्य करने के लिए मिल सकती है या फसली वर्ष के तौर पर मिल सकती है, ऐसी चीजें, समझ गए। राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी में अंतर समझ लो यहीं पर, कि राजस्व न्यायालय क्या है और राजस्व अधिकारी क्या है, दोनों चीजों को समझिए अच्छे से। देखो भैया, राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी में निम्नलिखित अंतर है, अभी मैं इसको क्यों लाया हूं, अभी आप समझोगे तो समझ जाओगे कि इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ने का रिलेशन क्या है। देखो भैया, जब कोई अधिकारी राजस्व से संबंधित न्यायिक कार्य संपादित करता है, मतलब अगर मैं राजस्व से संबंधित कोई कार्य कर रहा हूं, न्यायिक कार्य कर रहा हूं, तो वह राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है, वह अधिकारी ही राजस्व न्यायालय बन जाता है। ठीक है, और जब कोई अधिकारी राजस्व से संबंधित न्याय नियोक्तर मतलब न्याय के इतर कोई कार्य करता है, तो वह राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है। दूसरी बात समझो, राजस्व न्यायालय राजस्व परिषद के नियंत्रण के अधीन होते हैं, राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीन होते हैं। अगली चीज को और समझो, तीसरा जो पॉइंट इसमें मैंने मेंशन किया है, राजस्व न्यायालय रेवेन्यू कोड मैनुअल के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करते हैं, राजस्व अधिकारी रेवेन्यू मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हैं। तो तीन पॉइंट में मैंने राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारियों में डिफरेंस आपको बता दिए कि कब व्यक्ति राजस्व अधिकारी होगा, कब व्यक्ति राजस्व न्यायालय होगा, एक ही व्यक्ति दोनों के कार्यों को संभालता है। ठीक है, तो उम्मीद है इसमें जितनी चीजें मैंने बताई होंगी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैंने अगले लेक्चर की ओर आपको इशारा कर दिया है कि राजस्व न्यायालय, राजस्व, ये सारी चीजें हैं,
तो अगला इसी पर जो है कोशिश करूंगा कि आपको अगला जो लेक्चर मिले वो इन्हीं राजस्व अधिकारियों के पूरे वर्णन के बारे में आपको विधिवत जानकारी दूं, ठीक है। तो जो कुछ जैसा समझ में आता है हर एक लेक्चर के बारे में आप हमें मोटिवेट करें, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट देकर जाइए कि टीम आपके लिए जो मेहनत कर रही है वो उसका प्रतिफल आपको कैसा मिल रहा है और उस प्रतिफल से हमें कैसा आपसे जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है, इन सभी की जो है बारे में टिप्पणी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सारी चिंताओं से मुक्त रहिए। देखो अभी वर्तमान में क्या चीजें हैं, आप वर्तमान की चीजों को लेकर के फ्यूचर को लेकर इतना ज्यादा आशंकित मत हो, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने आधारों पर कार्य करिए, ठीक है। अचानक से कोई परीक्षा आती है तो आपके सामने ये होता है अभी मेरा तैयार नहीं, तो जब मौका है तो उस मौके का लाभ जो है अपने आधार को मजबूत करने में करिए, ठीक है, क्योंकि जिस दिन आपका आधार अच्छा हो गया, ठीक है, उस दिन चाहे जिस चीज पर आप कदम रखेंगे वह आपका होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक मस्त होकर पढ़िए।